हेलो सीरीज ऑफ बायोलॉजी माइक्रो न्यूट्रिंस एसेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट मेटाबॉलिक प्रोसेसिस पोटोसेंथेसिस रेस्परेशन प्रोटीन सेंथेसिस में हेल्प करता है एग्जाम्पल माइक्रो मैक्रो मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बात किया जाए ह्यूमन बॉडी में तो मैक्रो हो जाएंगे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट शुगर माइक्रो में मिनरल्स होंगे विटामिन होंगे इसमें भी वैसे ही रहेंगे नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड एंड सेल के लिए पोटेशियम फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस माइक्रो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट

और जो ये एंजाइम वगैरह से रिलेटेड होते हैं एंजाइम एक्टिवेशन ट्रांसपोर्ट बाकी के जो सेकेंडरी काम होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन बायोकेमिकल प्रोसेसेस इनके लिए हम माइक्रोन्यूट्रिय इम्पोर्टेंट होता है और जैसे नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल की जैसे बात होती है नाइट्रोजन मेजर कॉम्पोनेंट है क्लोरोफिल का फॉर्स्टफोर सेकेंड एलिमेंट हो गया जो माइक्रोन्यूट्रिय में देखता है hmm.

ऑल दीज मिनरल्स are एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दिनिस ऑफ प्रोटीन एंड ग्रोथ growth ग्रोथ so, सभी थे उसमें बोरोन क्लोरिन निकल भी थे तो लगातार के देख के कि निकल कैसे हो सकता है या फिर मैंगनीज कैसे हो सकता है मोलिबेडनियम कैसे हो सकता है वो तो मेटल हुआ तो सभी इंपॉर्टेंट है बस पता होना चाहिए कि मेजरली जो मेटल रहेंगे माइक्रो एरिया फील हो जाएगा कि वो तो माइक्रो में रहने वाला है माइक्रो कभी आयरन नहीं हो सकता कॉपर नहीं हो सकता जिंक नहीं हो सकता बस एक एक्सेप्शन है मैग्नीशियम एंड पोटेशियम लिस्ट देख लो टू नेक्स्ट प्लांट डिजीजेस टाइप ऑफ प्लांट डिजीजेस वायरल वायरस के कारण बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीजेस तो ये वायरल डिजीजेस एग्जाम्पल टोबैको मोज़ाइक वायरस एक और हम लोग पढ़ते हैं वो बॉलगार्ड से रिलेटेड है जो कॉटन प्लांट में पाए जाते हैं ठीक है ये बनाना बनाना वायरस वेल्ट पटेटो रिंग डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है क्वेश्चन पूछता है बीच में कि ये डिजीज बैक्टीरियल है कि फंगल है कि वायरल है तो ये अधिकतर याद ही करना पड़ता है इसका कोई सोल्यूशन है ट्रेन जिसके प्लांट डिजीज के हाँ मतलब कैसे याद करना नीचे मेंशन करो यार पहले एक बार इनको ध्यान से पढ़ लो फिर समझ में आ जाएंगे फिर जैसे टोबैको वाले में जो लीज होती है वो श्रंक को जाती है वीक हो जाती है और कॉज पढ़ लेते हैं टोबैको मोजैक वायरस नाम से पता लग रहा है डिजीज से भी फिर बंजेट ऑफ बनाना बनाना वायरस ये बीजिया नेक्स्ट बैक्टीरियल पे आते हैं तो ये रिंग डिजीज है रिंग उससे पिक्चर से भी समझ में आ रहा है कि सर्कुलर फॉर्मेशन वेल्डिंग ऑफ पोटैटो यानी कि सर जाना जैसे बिल्डिंग ऑफ लीज होता है उस तरीके से फिर ब्लैक आर्म ऑफ फिर ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन हो गया इट कॉजेस सीडलिंग ब्लाइट लीज बॉड ब्लैक आर्म तो ये जो पिक्चर में शोर है इसके बारे में है ये ब्लैक वन बॉल रॉड

बैक्टीरियल इंसेक्ट इसलिए है करते हैं मारने के लिए इंसेक्ट बेस है इसलिए बैक्टीरियल ब्लाइट ये भी पूछा था एक बार बाय राइस ऑफ राइस बाई बिया साइट्रस कैंकर साइट्रस कैंकर जो ये लेमन हो गया ऑरेंज हो गया फ्रूट्स इनमें होता है ये हाँ ये दिखता है कभी कभी वैसे हम्म टोंडूड डिजीज इसमें येलो और ब्लैक एलॉन्गेटेड स्पॉट्स दिखाई है देते हैं और स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है वीक सैपलिंग्स हो जाते हैं रस्ट ऑफ बीट फंगल डिजीज हम्म जो ग्रेन होता है उसका प्रोटीन कंटेंट उसका वेट उसकी क्वालिटी इफेक्ट होती है और ये दोस्तों रूट स्टेम में भी हो सकता है और ग्रेन में भी हो सकता है मतलब प्लांट के अलग-अलग पार्ट्स में तो जिस पार्ट में हो रहा है उसी से फिर पता लगता है कि डेफिशिएंसी किस चीज में आ रही है नेम याद कर सकते हैं जिनसे कॉज हो रहा है ये बाकी के डिजीजेस हैं डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स मतलब डिजीज पढ़े तो वायरस वायरल डिजीज बैक्टीरियल फंगल और ये डिजीज कॉज दूर डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स ये नहीं होने के कारण डिजीज है विटामिन ए नहीं है बी नहीं है तो कैसा डिजीज होना चाहिए उसके हिसाब से प्लांट के हिसाब से ये ब्लैक ऑक्सीजन की कमी से आमला बोरोन देखो याद करने का तरीका नहीं हो सकता आप देख ही सकते हो इसको एक बार बस ध्यान से ठीक है वी कैन मूव फॉरवर्ड तो कैसे इसको रोक सकते हैं डिजीजेस को ये पूरे इसमें मैकेनिज्म बता रखा है कि जो होस्ट प्लांट है वो कितना ससेप्टेबल है यानी कि तुम्हारा प्लांट अपने आप में कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो डिजीजेस को प्रिवेंट कर सके दूसरा जो पैथोजन है जैसे कि जो बैक्टीरिया इन सब की हमने बात करी इनको पैथोजन बोलते हैं बैक्टीरिया वायरस और किसी चीज फंगस hmm. हम्म ये सब चीज है तो ये पैरोजेंस होते हैं एंड एन एनवाइ कंडसर टू डिजीज तो एनवायरमेंट यानी कि जो फिजिकली कंडीशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं सनलाइट हो पानी कितना ये तीन चीजें मैटर करती हैं अगर इनमें से एक भी हमने बहुत बेटर कर ली तो पूरा जो लिंकेज है वो स्ट्रॉन्ग हो प्रिवेंट हो सकता है डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकता है फॉर एग्जाम्पल प्लांटिंग है डिजीज रेजिस्टेंट कल्टिवर यानी कि जो प्लांट अंटिल वो ऐसी मतलब उसको ऐसे कल्टीवेट करना जो सीड है ऐसा लेना जो कल्टीवेट है जो ऑटोमेटिकली डिजीज रेजिस्टेंट है जैसे अब बाहर है अब इसमें मेंस के हिसाब से सोच सकते हैं कि जीएम क्रॉप का बात कर सकते हैं या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक एडिटिंग यूज कर सकते हैं बायोटेक का यूज कर सकते हैं विद रिगार्डिंग टू तो द स्पेसिफिक डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स या डिजीज न्यू ठीक है चूजिंग द राइट प्लांट फॉर योर साइट डिफरेंट सनलाइटर प्रैक्टिसन हो गया एक, हो गया. ऐसे एक और भी एरिया हो सकता है जो आप प्रिवेंट कर सकते हो डिजीज बेस्ट क्वालिटी अंडर फर्टिलाइजिंग नॉट नॉट ओवर दोनों नहीं, केस में नहीं होना चाहिए वेल well वॉटर

बायो फर्टिलाइजर बायो मेथड से आप यूज कर सकते हो पाइन मॉडिफिकेंट मॉडिफाइड टू स्प्रेड बेकिंग सोडा प्रिवेंट फंगल डिजीज़ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज नेरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सभी इंपॉर्टेंट है

इट कंटेन्स सेल ऑफ द लीवस यूजेज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड वाट इज सेंथिसाइज कार्बोहाइड्रेट वे अल्टीमेटली कन्वर्टेड इन स्टार्च और स्टार्च को स्टोर करते हैं अलग अलग एरियाज में स्टेम रूट्स एक्सेट्रा तो ये एक रिएक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एच वी मतलब सनलाइट गिवस कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन सी सिक्स एस टूएल्व ओ टू सी सिक्स एस टूल्स ओ सिक्स प्लस एच टू प्लस ओ टू

इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में सोचा करो क्योंकि अभी तो ओनली वन ओनली टू आता है ऐसे तो ऑप्शन में जाने है नहीं है पहली बात अब कोरल रहेंगे कि नहीं नहीं रहेंगे नहीं, उसके ऊपर में जो रहता है वो ऑटोट्रॉफ हो जाएगा ठीक है का तो होता है ना with algae carbon ये दिया हुआ और

और जब अमोनिया से वापस गैस हाँ। हो डी नाइट्रेट डी नाइट्रीफाइक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन और न, और जो प्लांट्स है इट एब्जॉर्ब द नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल और नाइट्रेस बनता है नाइट्रोबैक्टर के थ्रू और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रीफिकेशन करते हैं फिर वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करना दिक्कत हो है प्लांट के लिए इसलिए भी। ये बताओ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस प्लाज्मोलाइसिस का मतलब बस ये होता है कि जो कंसनट्रेशन है पानी की जिस जगह पर ज्यादा कंसनट्रेशन होगी पानी की वो ज्यादा से जिस जहां पर कम कंसेंट्रेशन होगी वहां पर ट्रैवल करेगा वाटर तो अगर सपोज सेल के अंदर अगर हम सेल को एक ऐसा सोल्यूशन में रखते हैं जहाँ पर सेल के अंदर जो पानी की है वो ज्यादा है तो सेल का जो तो पानी है वो बाहर जाएगा यानी कि सोल्यूशन में तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा अब ये प्रोसेस अलग अलग होता है उसमें एनिमल्स में और प्लांट सेल्स में तो अभी हम सिर्फ से प्लांट सेल की बात करेंगे तो पहले अगर सोल्यूशन की बात करते हैं अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन का जो तो वाटर कंसेंट्रेशन है या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हम बोलते हैं अगर वो सेम है साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उस जितना तो मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा और अगर सोल्यूशन सेम कंसेंट्रेशन हाँ एक्सटर्नल सोल्यूशन अगर ज्यादा डायल्यूट है साइटोप्लाज्म से तो फिर उसको और हाइपरटोनिक हो जाएगा जब एक्सटर्नल सोल्यूशन ज्यादा कंसेंट्रेटेड है ठीक तो ठीक है मतलब ज्यादा मतलब कम ऐसे सुपर सुपरसोनिक ज्यादा फिर सब सोनिक कम वैसे हाइपर मतलब और बाह... ये भी किया सॉल्यूशन के लिए है सॉल्यूशन के, के लिए सॉल्यूशन के लिए साइटोप्लाज्म के लिए नहीं तो इसका मतलब अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर में रहेंगे सबका एग्जांपल हुआ हाइपोटोनिक के अंदर रहेंगे तो प्लाज्मोलिसिस होएगा प्लाज्मोलिसिस यानी कि जो सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर जा रहा है तो सेल श्रिंक हो रहा है और इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखने की है कि प्लांट सेल में क्या फर्क होता है ना जो सेल वॉल होती है ना वो तो सेल वॉल एकदम रिजिड रहती है लेकिन जो सेल वॉल के अंदर का सेल मेम्ब्रेन होता है वो श्रिंक कर जाता है सेल वॉल श्रिंक नहीं करती हाँ तो यानी कि गैप क्रिएट हो जाता है सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन में तो कि प्लाज्म ये इसका मतलब है कि हाइपोटोनिक मतलब कि बाहर के जो सॉल्यूशन है इट इज मोर डाइल्यूटेड अंदर वाले कंसेंट्रेटेड हाइपोटोनिक हो गया ना तो अगर आप रखते हो सेल में सेल को रखते हो वाटर में तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल हाँ केस ऑफ हाइपोटोनिक यही होता है ठीक बोला है?

इसमें ये है कि जो नेट मूवमेंट होता है ना वॉटर का वो सेम रहता है। यानि कि पानी बाहर तो जाता है मूवमेंट कि हुआ अंदर ज्यादा मूवमेंट बाहर हो तो वो जीरो होता है जब कंसेंट्रेशन सेम होती है और ये तो हुआ ना एक तरह तो सेल को फ्लैश बोल देते हैं ना सेल को फ्लैश ये रिवर्सिबल प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो पूछ सकता है एक बार कि प्लाज्मोलाइसिस ये रिवर्सिबल रिएक्शन और नॉट केमिकल रिएक्शन तो रिवर्सिबल है अगर बाहर एक चेंज कर दोगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेल वापस से श्रिंक वापस से एक्सपैंड हो सकते हैं तो व्हेन सेल प्रेजेंट जो प्लाज्मोलाइसिस हाइपर

तो हाइपोटोनिक भी तो हो सकता है ऐसे सिचुएशन भी तो हो सकती है कि दो ही कंडीशन होंगी ना मान दी यार तो जो बाहर सॉल्यूशन होगा वो उसमें वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा अगर सॉल्यूशन में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो सेल के अंदर जाएगा ये कंडीशन गई टर्जिड वाली हम्म पर आपने प्लाज्मोलिसिस में बोला कि उसमें सिर्फ हमेशा हाइपोटोनिक ही होगा तो मैं ये पूछ रही हूँ हाइपोटोनिक क्यों नहीं हो सकता है हाइपोटोनिक में पानी अंदर जाएगा तो एक्सपैंड हो सकता है सेल क्योंकि अंदर में कस, कंसेंट्रेशन ज्यादा है बाहर में कम है तभी वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो जो इट विल द सेल विल एब्जॉर्ब वाटर क्योंकि वो ऑस्मोसिस कहलाएगा सेल विल अब्सॉर्ब मी सेल विल रिलीज वाटर हाइपोटोनिक में क्योंकि अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है ना तो वाटर विल गेट रिलीज इन केस ऑफ हाइपोटोनिक ये और फ्रेंड ना इसको डाल देना फोटो अच्छे से फोटो डाउनलोड कर पूरा ये लगबा एमबीबीशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन वाटर हुँ. एम्बिबिशन का प्रोसेस वो ही का होता है जैसे मान लो एक कोई चौक का पीस है उसको अगर हम जैसे इलेवेंथ में ये केमिस्ट्री के उसमें आता है कि अगर हम इंक के अंदर डालते हैं तो जो चौक का पीस होता है उसके बाहर वाली लेयर पे इंक हो जाती है बट जो अंदर वाला जो कोर एरिया होता है चौक का उसमें हाँ तक इंक नहीं जाती इस प्रोसेस को अडजॉर्प्शन बोलते हैं ए डी और एक होता है अब्जोर्पन यानी कि जो पूरा ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो इम्बिबिशन एड्सॉर्प्शन का केस होता है जैसे कि ऊपर वाली लेयर में अगर कोई भी चीज इकट्ठा हो जाती है जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है व्हेन वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स कोलाइड्स कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम जैसे ड्राई वुड अगर हम देखते हैं कि रेनी सीजन में जो गेट होता है वो बंद नहीं हो पाता क्योंकि उसको वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो यही एग्जांपल है इसका वाटर बाय सीड्स भी हम्म तो ऐसे सही है

एक एग्जाम्पल इसमें आ गया कि टॉल ट्रीज में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है अगर पड़ोगे जब आप शक करते हो वॉटर थ्रू दाइप दा पाइप तब वो जो एक्शन हो होता है उसके कारण ही देर इज अट ऑफ वॉटर फ्रॉम टू अपने टॉल ट्रीज लेकिन रूट प्रेशर सेल्फ हेल्प करता है छोटे ट्रीज में या स्ट्रब्स में या ग्रास, या ग्रास में एग्जांपल ये फर्क है इसमें ट्रांसपिरेशन पुल में समझाया गया कोशिका नीचे वही वाली टर्म्स लिखी हुई है मोस्ट रिसर्च अग्री दैट वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट एंड दैट द ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स दिस इज रेफर टू ए कोहेसेंस टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल क्वेश्चन मतलब कि अगर एक पाइप है उसके अंदर में जब वाटर चेक करते हो तो जो बाउंड्री ऑफ द पाइप है अंदर में और जो वाटर का जो बाउंड्री है इज सक्शन बिटवीन टू ऑफ उसी हैेशन बोलते हैं और जब देखोगे जब कोला कोई पियोगे तो पाइप बाहर निकाल दोगे तब पाइप के अंदर में वाटर रहता ही है वो गिरता नहीं ग्रेविटेशन पुल ग्रेविटेशन के सामने भी है. इसलिए वो टेंशन दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी है क्वेश्चन भी है वो ट्रांसपिरेशन है क्योंकि जब टोमाटो ओपनिंग होता है ओवरऑल देर इज रिलीज ऑफ इंटेक ऑफ द टू रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन और इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल तो इसलिए कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल है ओवरऑल अब इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो मानसी प्रवेश ये मेरे को क्लियर होशी ओवरऑल कोहेशन और टेंशन बात हो रहा है मॉलिक्यूल्स बिटवीन द वाटर और जो सेल है जाइलम की चारों तरफ अंदर में उसमें बात हो रहा है दोनों के टेंशन ट्रांसपेरेशन पुल इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज चेंज इन टर्जिडिटी तर, ऑफ द गार्ड सेल गार्ड सेल का डिस्कस किया थे और क्यों होता है टेंपरेचर लाइट ऑक्सीजन सीओ टू कंसेंट्रेशन हैं। लिखा हुआ हाँ था जो टर्म यूज की टर्जर तो टर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपल डेफिनेशन क्या होती है लिखा हुआ था कि जो गार्ड सेल होता है वो ओपनिंग और क्लोज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द

इसलिए टेजिलिटी बता और ये ट्रांसपेरेशन का भी देख सकते हैं जैसे हम कि अगर विंड स्पीड ज्यादा होएगी तो ज्यादा ट्रांसपेरेशन होएगा ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो ट्रांसपेरेशन कम होएगा तो ऐसे ये प्रोपोर्शनल इनप्रोपोर्शनल ऐसा होता है ट्रांसपेरेशन से ये सब चारों कंडीशन तो फिर से रिपीट करोगे आपने ह्यूमिडिटी के कॉन्टेक्स में क्या रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया अभी ट्रांसपेरेशन का ह्यूमिडिटी ज्यादा आएगी तो ट्रांसपरेशन कम होएगा होगा भाई रेडियस इवेपोरेशन से लिंक कर सकते हैं जैसे अगर कपड़े सुखाते हैं मान लो टे तो ट्रांसपीरेशन इवेपोरेशन ही है जस्ट दैट प्लांट के केस में कपड़े सुखाते हैं तो अगर विंड जाएगी तो जो ऊपर में जो इवेपोरेशन होता रहेगा विंड आती रहेगी तो वो अप कर देता है प्रोसेस को क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो चले जाएंगे और न्यू ईयर आ जाएगी

दोनों बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है इसी कारण ही क्वेश्चन और टेंशन के कारण ही देर इज नेगेटिव प्रेशर और पुल सक्शन में वॉटर फ्लो करता है आप ग्लू चुप का आते हो ना सर्फेस के ऊपर में तो सर्फेस के बीच में क्वेश्चन होगा वॉटर वॉटर जब फॉर एग्जाम्पल वॉटर दो ड्रॉप को रख दो और थोड़ा सा हिलाओ

शुगर सोल्यूशन फ्लोज टू द रीजन एंड लो टर्ेशर बताओ कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड बाई डायरेक्शन हो सकता है डिपेंड करता है कहाँ जाना है जायला में लेकिन यूनिट डायरेक्शन नीचे से ऊपर ये पता होना चाहिए ये बताओ इसमें ये प्रोसेस कहीं समझा रखता है जाइलम को फ्लोएम का यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन फ्लोएम बाई डायरेक्शन होंगे और जाइलम यूनि डायरेक्शन होंगे ये बस पता होना चाहिए ये सॉल्व कर पे पर... प्रेशर डेवलप होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन में हम्म तो वी हैव एंडेड Okay, thank you, everyone. We will take up next session in biology series due to answer kari.